अब आज हम आगे की 99 तक गिनतियां सीखेंगे और बीच, आइए शुरू करते हैं। श्री 10, श्री 10। अब अगर हमें कहना है 20, तो इसके लिए बहुत आसान तरीका है। दो के लिए लफ्ज था अर और 10 के लिए श्री, तो दो और 10 यानी दो 10 बार, तो ये होगा 20। अर श्री 20। अब अगर हमें कहना है 30, तो पहले हम 3 के लिए लफ्ज रखेंगे, फिर उसके बाद 10 के लिए। सान यानी 3, श्री 10, तो 3 और 10, सान श्री 30, सान श्री 30। अब इसी तरह 40, 40 के लिए पहले हम 4 के लिए लफ्ज रखेंगे, फिर 10 के लिए। सी शी 40, सी शी 40, सी यानी 4, शी 10, सी शी 40। अब 50 के लिए पहले हम 5 के लिए लफ्ज रखेंगे, फिर 10 के लिए। 5 के लिए लफ्ज है वो, 10 के लिए है शिव 50, तो वो शिव 50, वो शिव 50। अब 60 के लिए पहले हम 6 के लिए लफ्ज रखेंगे, फिर उसके लिए बाद 10 के लिए। 6 के लिए है लु लु, 10 के लिए शिव शिव, तो लु शिव हो गया 60, लु शिव 60। 70 के लिए पहले हम 7 के लिए लफ्ज रखेंगे, फिर 10 के लिए। छी छी शी 70, छी शी 70, छी शी 70। 80, 80 बनाने के लिए पहले हम 8 के लिए लफ्ज रखेंगे, फिर 10 के लिए रखेंगे लफ्ज। 8 के लिए लफ्ज है बा, 10 के लिए है शिव, तो बा शिव 80, बा शिव 80। अब 90 के लिए पहले हम 9 के लिए लफ्ज रखेंगे, फिर 10 के लिए। 9 के लिए लफ्ज है ज्यो ज्यो, और 10 के लिए शिव, तो ज्यो शिव हो गया 90, ज्यो शिव 90। अब 20 की जो गिनतियां छूट गई थी उन्हें बनाना हो, जैसे हमें बनाना है 22, तो 22 आप जानते हैं, पहले 20 के लिए लफ्ज रखेंगे, फिर 2 के लिए रखेंगे लफ्ज, तो 20 के लिए है अर्श हो गया 20, और फिर 2 के लिए अर, तो अर्श अर 22, अर्श अर 22। 37, तो पहले 30 के लिए है सांश 30, सांश 30, और फिर 7 के लिए लफ्ज है छी 7, तो हो गया सांश 37, सांश 37। अब इसी तरह 48, तो पहले 40 के लिए लफ्ज, 40 के लिए है सि शि, 40 के लिए सि शि 40। अब इसके बाद 8 के लिए लफ्ज रखेंगे हम बा, स श बा 48, स श बा 48। अब अगर हमें बनाना है 53, तो पहले हम 50 के लिए लफ्ज रखेंगे, 50 के लिए लफ्ज है वो श 50, वो श 50, फिर 3 के लिए लफ्ज है सान। अब 53 हो गया वो श सान, वो श सान 53। अब इसी तरह 99, 99 के लिए पहले 90 के लिए लफ्ज रखेंगे हम, 90 के लिए लफ्ज है ज्यो श 90, ज्यो श 90, फिर 9 के लिए ज्यो, तो 99 के लिए लफ्ज हो गया ज्यो श ज्यो, ज्यो श ज्यो 99।